वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। प्रीवियस मैथ सेशन में हमने साइन वेव कर्व को देखा था कि वो किस तरीके से बनता है। उसके मैंने आपको कुछ ग्राफ दिखाए थे एज वेल एज एक पूरा वीडियो दिखाया था कि वो कैसे यूनिट सर्कल पे थीटा आपका मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, उस तरीके से कैसे आपका साइन कर्व बन रहा है। होप वो सब आपको क्लियर हो गया था। इसके बाद अब मैं आपके साथ ये मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मैं IIT गांधीनगर में इंटर्नशिप कर रहा था तो ये IITs में क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग लैब्स होती हैं। तो उसमें हमारी एक लैब थी CLI, वो लैब के अंदर मेरी समर इंटर्नशिप थी। द नेम और फुल फॉर्म ऑफ द CLI इज क्रिएटिव लर्निंग इनिशिएटिव। अभी वो नाम चेंज हो गया, वो CCL हो गया है। वो मतलब क्रिएटिव लर्निंग तो है ही, बट आगे वाला हो गया सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग। पहले क्रिएटिव लर्निंग इनिशिएटिव था, अब हो गया सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग। अब ये लोग ना सभी IIT NIT में ऐसे सेंटर्स ओपन कर रहे हैं। इवन मैं आपके लिए ये सेंटर्स के जो मेरे टीचर्स हैं, मतलब वहां पे जो टीचर्स थे, उनसे एक वर्कशॉप और वो सब ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहा था, बट देखते हैं अभी वो कहाँ पे अटका हुआ है। यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें, अब इसका मेन एम क्या था, 3 Idiots मूवी आपने देखी होगी एवरीवन, राइट? जैसे 3 Idiots मूवी में जो आमिर खान का कैरेक्टर था, जो रेंचो का कैरेक्टर था, कि ही बिलीव्स इन लर्निंग ऑल द थिंग्स फ्रॉम मेकिंग प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट बनाओ और उससे सीखो, ना कि रट्टा मारो और मगअप करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट अभी हमारी लाइफ में या कॉलेज, आपको NIT IIT में जाना है तो सिस्टमेटिक वाइज आपको प्रिपरेशन करके JEE क्लियर करना है। बट जब आप JEE क्लियर करके जाते हो 2 साल के सिस्टमेटिक प्रिपरेशन के बाद, अब आपको आपका माइंड थोड़ा ओपन करना पड़ेगा ये सारी चीजें पढ़ने के लिए, आपके प्रोजेक्ट और ये एग्जैक्टली कैसे काम करती हैं। तो वो लैब में हम ये सारी चीजें करते थे, हम प्रोजेक्ट बनाते थे, तोड़ते थे, मरोड़ते थे और उनसे सीखते थे। तो तभी वहां के टीचर ने, जैसे फुनशुक वांगड़ू जो आपको पता है, अरे आमिर खान का कैरेक्टर था आपके 3 Idiots मूवी में, राइट? उनका असली नाम आपको पता है, वो जिनके ऊपर से बेस थी, जिनके ऊपर से वो इंस्पिरेशन मिली थी, राइट? वो लद्दाख के, उनके भी यूट्यूब चैनल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, राइट? सोंगचुक समथिंग ऐसा नाम है, वो मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वो भी लद्दाख में ऐसे सारे इनिशिएटिव करते रहते हैं। हाँ, सोनम वांगचुक या समथिंग ऐसा नाम है, स्निग्ध स्टाइलिंग। और उसके आपको YouTube पे उनकी चैनल भी मिल जाएगी जो वो अलग अलग इनिशिएटिव्स करते रहते हैं वहां पे। शंकर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके नाउ, अब तो यहाँ के जो टीचर्स है वो समथिंग उसी तरीके के हैं जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आवाज आ रहा है आपको, राइट? आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा है वीडियो का आवाज? शेयर साउंड, ठीक है, वेट। Hi, this is a sine wave car. ये मनीष सर है, मनीष जैन सर IIT कानपुर में बैचलर्स खत्म करने के बाद, उन्होंने IIT कानपुर में अपना बैचलर्स खत्म किया, फिर वो मास्टर्स करने के लिए चले गए थे फॉरेन, अमेरिका। ये उनके स्टोरी में बता रहा हूँ। अमेरिका में उन्होंने अपने मास्टर्स की डिग्री आधे में छोड़ दी, वो पढ़ाई से तंग आ गए कि ऐसी कैसी पढ़ाई है। वो मास्टर्स की डिग्री आधे में छोड़ के वहां पे एक बहुत ही MNC, बहुत ही अच्छी कंपनी में उन्होंने जॉब भी ले ली। वहां पे सालों से जॉब करने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि मुझे एजुकेशन में कुछ करना है, ये मेरी लाइफ का इंटरेस्ट है। वहां पे वो सारी चीजें, जॉब और वो सब छोड़ के फिर यहाँ पे आ गए और यहाँ पे एजुकेशन को अच्छा अच्छा करने के लिए ये सारी चीजें करने लगे। उसमें से ये एक चीज है, बिल्ड यूजिंग वेरी सिंपल मटेरियल लाइक MDF 3mm बोर्ड एंड दिस कैन बी असेंबल्ड यूजिंग द पीसेस दैट वी हैव डिजाइंड इन दिस शीट। अब जैसे ये MDF शीट है, राइट? MDF मतलब एक टाइप का आपका, आप सर्च कर सकते हो, इट इज लाइक वुड, राइट? ऐसा मतलब वुड का भी एकदम स्मॉलर वर्जन, वेरी थिनर वर्जन, 3mm का रहता है। ये जो उन्होंने ये पूरा बनाया है ना शीट पे, राइट, ये पूरा लेजर कटिंग से बनता है। वहां पे लेजर कटिंग मशीन है, हम वो लेजर कटिंग मशीन को वहां पे ऑपरेट करते थे। जब वहां पे हमने पहली बार ये बनाया था तब ये लेजर कटिंग और ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा पूरा शीट नहीं था, सारी चीज अलग अलग से बनाई गई थी। In this sheet, you can make this wonderful car. और ये जो आपको पीछे लैब दिख रही है ना, इसमें हम काम करते थे, इसमें सुबह से लेकर रात तक पड़े रहते थे। IITs में क्या होता है पता है कि आपको लैब 24 घंटे खुली रहती है, 5 घंटे 6 घंटे ऐसा नहीं होता है। तो हम सुबह 8 बजे से रात को 2 बजे 3 बजे तक वहीं पे काम करते थे। एंड गर्मी का टाइम होता था, समर इंटर्नशिप होती थी ना, तो फिर रात को 3 बजे हॉस्टल पे सोने के लिए नहीं जाते थे क्योंकि वहां तो बहुत गर्मी लगेगी और लैब में तो AC होती है, तो रात को लैब में ही सो जाते थे। एंड सभी लोग ऐसा करते हैं वहां पे, सब अपने अपने लैब में सो जाते हैं।
जिसको जो लैब असाइन हुई होती है तो वहां पे पूरा दिन प्रोजेक्ट करो, वहीं पे सो जाओ, बस खाने पीने के लिए जाओ। ये हमारा दूसरा घर था वो 2 महीने के लिए। तो लैब के साथ बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। और फिर लेजर कटिंग दूसरी लैब में होता था, वहां पे करने जाते थे, ऐसे एक दूसरे लैब वाले एक दूसरे को पहचानते थे। draws the sine curve for you, and the reason it draws a sine curve is actually the basic definition of a sine wave. तो ये कार का मेन फंक्शन ये है कि आपको साइन वेव की बेसिक डेफिनेशन पता चले। आप चाहो तो ये CLI से ऑर्डर कर सकते हो, 500 के आसपास आपको मिल जाएगी। इफ यू वांट टू लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मैं लास्ट ईयर ये एक ऑर्डर करने वाला था ऑफलाइन क्लास में सबको दिखाने के लिए, राइट। अब आप सब लोग 500 खर्च करो, उससे अच्छा है कि मैं एक खर्च कर लूं और जब मैं बोर्ड पे पढ़ाऊं तो वहां पे चौक रख के बोर्ड पे चला के दिखा दूं। Isn't it a good approach? हाँ या ना, right? But the thing is, फिर lockdown हो गया, तो वहाँ से बाकी ही है फिर। Now let's understand how, as you can see, when the car moves, the pen just moves. देखो, ये आपको नीचे gear दिख रहे हैं students, ये gear दिख रहे हैं, right? These gears are called bevel gear. आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ोगे या कोई भी इंजीनियरिंग पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर में सभी एक इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको मैकेनिकल का एक सब्जेक्ट आएगा, सिविल का एक सब्जेक्ट आएगा, कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट आएगा, इलेक्ट्रिकल का आएगा, सबका आएगा। तो उसमें आप ये बीवेल गियर भी पढ़ोगे, बट वो सिर्फ आप थियोरेटिकली पढ़ोगे, बट यहाँ पे जब आप इसको ज्वाइन करते हो तो बीवेल गियर की ओरिजिनल मैकेनिज्म भी आपको पता चलती है, राइट। बीवेल गियर क्या करता है, आपके मोशन को 90 डिग्री पे ट्रांसमिट करता है। मतलब ये व्हील अगर ये प्लेन में घूम रहा है तो उसके 90 डिग्री वाला ये व्हील घूमने लगेगा। In the direction perpendicular to the movement of the car. So let's say if my car moves some angle, this gear starts moving. As a result, this gear which is perpendicular moves. As a result, this shaft connects it to this piece on top. That starts to move. That starts to spin. So if I spin the wheel once, this also spins once because the gears, the number of teeth in this gear and this gear are exactly same. If this wheel moves an angle A, this gear will also spin an angle A, this will also spin an angle A, and this circular piece will also spin an angle A. If this wheel spins an angle A, the distance moved by the car will be radius times that angle A, where angle A is measured. Radius times angle A, ये पता चल रहा है everyone? See, अगर आपका wheel angle A move कर रहा है, right? तो आपकी कार कितना आगे जाएगी, जितना उसका आर्क आगे जाएगा, हाँ या ना। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, सो एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो जितना आर्क आगे जाएगा उतना एल इंटू आर आगे जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? 360 डिग्री अगर पूरा घूमेगा तो 2πr उसके सर्कमफेरेंस जितना आगे जाएगा, राइट। सो दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्रिश इज आस्किंग गियर में कितने स्पोक्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 के आसपास होंगे, 11 to 12। एंड सो लेट्स अज्यूम दिस रेडियस ऑफ द व्हील इज यूनिट, one unit, the car would have moved A in the forward direction. So assuming this is the initial position of our pen, and if the wheel moves A, this circle will also move an angle A. So this will be angle A. And now if this is angle A, the pen moving in this direction is actually this perpendicular distance. And that, by definition, is sine of this angle A, because this circle is unit radius. And that. ये पता चला everyone, right? जैसे आपका wheel angle A घूमेगा, जो आपका ये pen है, वो vertical घूम रहा है। Pen vertical क्यों घूम रहा है? See, pen आपका जिसके साथ attach है, that is vertical or not? See, हाँ या ना? ये circle में वो vertical घूम रहा है? Please give me some response. हाँ या ना? कार आपकी इस डायरेक्शन में आगे जाएगी, कार होरिजेंटली आगे जाएगी, तो ये आपका वर्टिकली घूमने वाला है, तो इसलिए पैन आपका ये वर्टिकली घूमेगा। सो दैट विल बी योर साइन ए। द व्हील मूव्स एंगल ए, द कार मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन रेडियस टाइम्स ए, एंड द पेन व्हिच मूव्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल बी साइन ऑफ ए, एंड दैट्स व्हाई द कार ड्रॉज अ साइन कर्व। ये कांसेप्ट पता चला एवरीवन? यस और नो? राइट, कुछ तो बोलो, हाँ या ना। अरे अब ये उसी साइन वेव कार का मैंने आपको दूसरा वीडियो भेजा था, देख रहे हो कैसे कार चलती जा रही है, ये पूरा साइन कर्व होता जा रहा है। अरे
सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस साइन वेव कार. यहाँ पे बस वो कैसे असेंबल करना है वो आपको दिखाया गया है. इट इज जस्ट अ मार्केटिंग वीडियो ऑफ दिस, क्योंकि पहले वो सिर्फ सिखाते थे वहां पे, पर्टिकुलरली ऐसे सारे वर्कशॉप होते थे अलग 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 अलग, राइट. ऐसे मैथमेटिक्स के कार्ड में मैजिक साइक्लोइडल वेव का वेव कार, ऐसे बहुत सारे अलग अलग उन्होंने बनाई है. इनकी पूरी साइट भी है, ये पूरा आप एक्सेस कर सकते हो. जो आपके सीनियर्स हैं, राइट, अभी उनको स्कूल में फिजिक्स का प्रोजेक्ट बना के देना है, छोटा प्रोजेक्ट, तो उनको मैंने यही साइट और इसकी एक पीडीएफ शेयर करी है, वहां से वो लोग वो प्रोजेक्ट बना के देंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो उसमें आपको ये सारी चीज काम आ सकती है. एंड फ्यूचर में जब आप कहीं भी 4 साल इंजीनियरिंग करने जाओगे, बीच में अगर आपको समर इंटर्नशिप के लिए IIT गांधीनगर जाने की इच्छा है तो आप मुझे बताना, राइट. IIT गांधीनगर के टीचर्स तक, इंटरव्यू तक मैं आपको पहुंचा सकता हूँ, फिर वो इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ेगा. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना, राइट. तब आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 2 महीने के लिए, राइट. एंड ये जेन व्हील का डायमीटर और गियर का डायमीटर अलग है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है. गियर में जनरली ये फर्क पड़ता है कि एक गियर और दूसरे गियर के बीच में टीथ कितने हैं. जैसे आपके बाइक में आप गियर चेंज करते हो ना, तो उसमें यही होता है, 2 गियर एक दूसरे के साथ चेंज हो जाते हैं, जहां पे एक टीथ के साथ एक गियर के टीथ और दूसरे गियर के टीथ अलग अलग मैश होते हैं, वहां पे आपको अलग अलग रेशियो मिलता है, गियर रेशियो, वहां से अलग अलग स्पीड रेशियो मिलता है. चलो, तो अब अगर आपको साइन क्लियर है, साइन वेव कार क्लियर है, तो फिर हम साइन कर्व के बाद कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, ये सब शुरू करें. एवरीवन हाँ या ना, राइट. एंड आई विल ट्राई टू ऑर्डर, मैं एक साइन वेव कार ऑर्डर कर दूंगा अगर पॉसिबल होगा तो. एंड जब हम ऑफलाइन में मिलेंगे, स्कूल शुरू हो जाएगी, तब भी मैं आपको एक बार वापस दिखाऊंगा, ठीक है. बट अब यहां तक तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा, हाँ या ना, क्लियर है? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट. चल, चलो साइन के बाद कॉस पे हम आगे बढ़े. एवरीवन, शैल वी स्टार्ट? ग्राफ ऑफ एफ ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. इससे पहले साइन में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो, अगर वो डाउट होगा तो ये आपको पता नहीं चलेगा, अगर वो क्लियर है तो हम इजीली आगे बढ़ सकते हैं. सी, हम ग्राफ से 3 चीजें देख रहे हैं, उसका डोमेन, रेंज और वो कब इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है. ये तीनों क्लियर है एवरीवन? कब इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है, एज वेल एज उसका डोमेन, रेंज, ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर. थोड़ा अनम्यूट करके बोलोगे ना तो और क्लास की फील आएगी. अच्छा, संपदा स्टेलिंग, वो शीट का नाम क्या था? शीट मतलब कौन सी शीट जिसमें ये पूरी साइन वेव के कंपोनेंट, साइन वेव कार के कंपोनेंट है, वो शीट का नाम नहीं, वो एग्जैक्टली वो शीट उन्होंने ही बनाई है, राइट. सो वो है आपके पास साइन वेव कार, और वो CLI से ही आपको मिलेगी, राइट. वहां पे एग्जैक्टली वहां के कुछ टीचर्स ने अपना स्टार्टअप भी ओपन किया है अभी, तो उन्होंने शायद अभी तक वो बनाया नहीं है, उनसे मैं बात कर रहा था, राइट. एंड ये उन्होंने ही बनाया था, ये एग्जैक्टली ना फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता था, फॉरेन कंट्रीज में ऐसे ये पूरे ये होते थे और आके बना देते थे. तो जैसे वो सर फॉरेन से आए हैं, तो फॉरेन से ऐसे प्रोडक्ट लेके आते थे जब हम वहाँ पे लैब में काम करते थे. तो हाँ टेरेंस, मैं देखता हूँ ऑनलाइन में मिलता है कि नहीं. तो जब वो फॉरेन से आए थे, हम लैब में काम कर रहे थे, हमारी इंटर्नशिप चल रही थी, तब सर ने वो बोला कि हम भी ऐसा बनाएंगे ऐसा करके. एंड वो टाइम पे पहले कार का एक नॉर्मल डेमो बना था, एंड अभी की डेट में उन्होंने ये बना दिया है. बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय आपको पता होंगे, KVs पता है आपको, केंद्रीय विद्यालय जो है, राइट. तो पूरे इंडिया में अलग अलग केंद्रीय विद्यालय से समर इंटर्नशिप करने के लिए लोग आते थे, वहां पे स्टूडेंट्स आते थे, पूरे स्टूडेंट्स के 5-5, 6-6 दिन के वर्कशॉप होते थे, उसमें सारी चीजें वो बनाते थे. इवन टीचर्स के होते थे, सिर्फ स्टूडेंट्स के नहीं, एक स्टूडेंट्स का अलग होता था, फिर टीचर्स का अलग होता था. वहां पे समर इंटर्नशिप में हम इंटर्नशिप भी करते थे और ये सब वर्कशॉप में भी जाते थे, ये सब वर्कशॉप में हम हेल्प भी करता था और वो सब समझाता था. क्योंकि 11th-12th के लिए नहीं है और कोविड की वजह से तो ये पूरा बंद है. एंड कोविड की वजह से उन्होंने भी पूरा यूट्यूब पे लास्ट ईयर शुरू किया था सब, STEM 3030 करके. एंड आप वहां पे जाना चाहते हो तो मैं लिटरली रिकमेंड करूंगा कि आपको जाना चाहिए, 2 महीने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मेहनत काड़ी मेहनत खतरनाक होगी, दिन से रात तक मेहनत करोगे, पर 2 महीने में जो आप सीख लोगे ना, वो आपको जॉब लेने में बहुत काम आ जाएगा, राइट. सो इंटर्नशिप के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब एक बार आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए उसके बाद, ठीक है एवरीवन. एंड आई विल गाइड यू फॉर दैट फॉर्म एंड एवरीथिंग. ये आपका गलती से आ गया स्क्रीनशॉट, जस्ट अ मिनट, में वो एफ ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. चलो शुरू करें एवरीवन, राइट.
ओके सो पहले cos थीटा की डेफिनेशन, sin के लिए जैसे आपका बाइक है y equal to sin थीटा, cos थीटा की डेफिनेशन क्या है? Who will tell me? बोलो अनन्या, cos थीटा आपका क्या होगा? अनन्या आर यू देयर? x कंपोनेंट और नॉट, राइट? x कंपोनेंट ऑन यूनिट सर्कल, जैसे आप यहाँ पे एक यूनिट सर्कल प्लॉट करोगे, वो यूनिट सर्कल पे जो x कंपोनेंट होगा दैट इज गोइंग टू गिव यू cos थीटा. सॉरी ओके कैन यू सी दिस यूनिट सर्कल एवरीवन, राइट? अब ये यूनिट सर्कल में देखते हैं स्निग्ध, राइट? सोचते हैं वन बाय वन. जैसे मान लो यहां पे आपका एंगल बन रहा है थीटा, दिस इज योर पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, सो इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू गिव यू कॉस थीटा, राइट? चलो अब अगर मुझे कॉस थीटा का ग्राफ प्लॉट करना है, ऑलरेडी आपने साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट कर दिया है, राइट? उसी का हम सहारा लेंगे, उसी तरीके से करेंगे, बट साइन थीटा में जितना डिटेल में हमने समझा था, कॉस थीटा उससे कम डिटेल में आपको पता चल जाएगा. एम आई करेक्ट? राइट? सपोज यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे थीटा ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं थीटा को रिप्रेजेंट करूंगा, ये वाई एक्सिस है, वहां पे मैं कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? चलो अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो साइन के लिए याद करो, साइन के लिए हमने पहले क्या किया था, साइन के लिए सब भी एक्स एक्सिस पर पहले सारी थीटा की वैल्यू रख दी थी, जीरो से लेके टू पाई, सारे क्वाड्रेंट बना दिए थे, जीरो से पाई बाय टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय टू से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से थ्री पाई बाय टू थर्ड क्वाड्रेंट, थ्री पाई बाय टू से टू पाई फोर्थ क्वाड्रेंट, ये याद है सबको एवरीवन? अरे यहाँ भी पहले वही कर देते हैं, फिर हर एक क्वाड्रेंट में देखते हैं वो क्या हो रहा है. जैसे ये जीरो पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू और टू पाई. मैं यहाँ पे सारे क्वाड्रेंट को स्पेसिफाई कर देता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा. लिख भी देते हैं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. यहाँ तक क्लियर है? चलो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके कॉस की वैल्यू, सबसे पहले जब थीटा जीरो है तो कॉस की वैल्यू क्या होगी? ये सब पॉइंट, ये सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको याद होंगे, ए बी सी डी, वन जीरो जीरो वन, माइनस वन जीरो जीरो, माइनस वन, राइट? रेणुका, याशिका, यहाँ पे ए आपका हो जाएगा वन जीरो, बी विल बी योर जीरो वन, सी विल बी माइनस वन जीरो एंड डी विल बी जीरो माइनस वन. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? चलो अब तो सबसे पहले जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी, वहां पे कॉस जीरो आपका क्या हो जाएगा? इट विल बी वन ओनली, कॉस जीरो वन होगा, राइट? जब जीरो है तब कॉस की वैल्यू हो जाएगी वन. इज दिस क्लियर? थीटा जीरो पे कॉस की वैल्यू वन. मैं लास्ट में वो आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जो हमने कल देखा था, बट अभी आप ये लेवल पे हो कि वीडियो बिना आंसर दे सकते हो, राइट? चलो कॉस पाई बाई टू क्या हो जाएगा? जब थीटा की वैल्यू आपकी पाई बाई टू हो जाएगी, यहाँ पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? बी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, कॉस पाई बाई टू आपका जीरो हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हा या ना एवरीवन, राइट? अब बीच में अगर मैं कोई वैल्यू ले रहा हूं, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, सो कॉस 30 डिग्री इज कॉस पाई बाई सिक्स, कॉस 30 डिग्री आपका होता है रूट थ्री बाई टू विच इज 1.73 बाई टू, राइट? एंड कॉस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू हाफ, एंड कॉस 60 इज नथिंग बट योर कॉस पाई बाई थ्री which will be a half, which is 0.5, yes, Sampada, ये होगा 0.86 के आसपास, okay, चलो, तो यहाँ पे जब मैं pi by 6 और pi by 3 लूंगा, pi by 6 पे आपका 0.86 आ रहा है, और यहाँ पे 0.5 आ रहा है, यहाँ पे 0.86, और यहाँ पे आ रहा है आपका 0.5, right, one half, are you getting my point, students, Renuka, right, Pragna, Samprita, Reshma, हाँ, चलो, तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे, कैन आई से दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो आपका वन से जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब जब ये एक्स की थीटा की वैल्यू जीरो से पाई बाई टू की तरफ जा रही है, आपके कॉस की वैल्यू वन से लेके जीरो तक जा रही है, एम आई करेक्ट? अदनान, जॉन, जोएल, नाजनीन, ओमकार, नव्या, अरे
ये वन से लेके आपका जीरो हो रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप मुझे बताओ कि हाँ क्रेशेस सेलिंग सर, कॉस 30 और 60 में उनके वाई एक्सिस कैसे मिल रहे हैं? नहीं, मैं कॉस की वैल्यू वाई एक्सिस पे लिख रहा हूँ। सी, जो ये कॉस की वैल्यू है ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है, ये 30 डिग्री पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, समझना। ये 30 डिग्री पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, ये 60 डिग्री पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, बट ये जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू को मैं वाई एक्सिस पे लिख रहा हूँ, राइट। वाई एक्सिस पे कॉस थीटा की वैल्यू ले रहा हूँ, ये पता चल रहा है। वो वाला एक्स एक्सिस अलग है, ये वाला वाई एक्सिस अलग है, राइट। वो अनदर ग्राफ है, ये अनदर ग्राफ है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, मतलब पिछले वाले टॉपिक में साइन भी आपको वाई पे मिल रहा था और यहाँ पे भी दूसरे ग्राफ में भी साइन आप वाई पे ही ले रहे थे, बट ये वाले ग्राफ में आपको क्या है, कॉस आपको एक्स एक्सिस पे मिल रहा है बट उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, तभी हमें कॉस का ग्राफ मिलेगा ना, राइट। कॉस थीटा का ग्राफ कब मिलेगा, जब थीटा आपका एक्स एक्सिस पे और कॉस थीटा वाई एक्सिस पे हो। इजी एवरीवन, सी आई वांट योर रिस्पांस। अब जितना अनम्यूट करके बोलोगे उतना मजा आएगा, उतना क्लास और इंटरेक्टिव होगा। चलो ग्रेट। सिमिलरली अगर मैं पाई बाई टू से पाई में जा रहा हूँ, जैसे पाई बाई टू से पाई के अंदर, तो कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, जब थीटा पाई हो जाएगा कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट इज -1, हाँ या ना। यहाँ पे पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो जब ये आपका पाई होगा वहां पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1, ओके। चलो नेक्स्ट, तो ये पाई बाई टू से पाई में बीच में जो आपकी कॉस की वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे थीटा इंक्रीज हो रहा है, वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट आपको समथिंग मिलेगा ये वाला, राइट, दिस विल बी योर एक्स कोऑर्डिनेट जो नेगेटिव में होगा। फिर वापस आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ये एक्स कोऑर्डिनेट इधर मिलेगा। तो पहले नेगेटिव में सपोज ये -0.5 है, ये -0.8 है, फिर -1 हो रहा है, जैसे यहाँ पे समथिंग -0.5 मिलेगा, यहाँ पे -0.8 मिलेगा, उसको कनेक्ट करोगे तब जाके आपका ये हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू अभी लिखो मत, मैं आपको टाइम दूंगा पूरा, अभी यहाँ पे ध्यान दो बस, अभी समझ लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू 1 से 0 हो रही है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू 0 से -1 हो रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस डिक्रीज कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कॉस डिक्रीज हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस डिक्रीज हो रहा है। इज दिस करेक्ट एवरीवन, इज दिस क्लियर, राइट, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज हो रहा है, सेकंड में भी डिक्रीज हो रहा है। चलो अब थर्ड और फोर्थ में समझते हैं। तो जब आपके थीटा की वैल्यू थर्ड और फोर्थ में जाएगी, राइट, समझना, जब मान लो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो रही है तो वहां पे आपको एक्स की या कॉस की वैल्यू वापस समथिंग, मान लो कि अगर पहले थीटा की वैल्यू आपकी ऐसी हो रही है तो यहाँ पे वापस आपको -0.8 मिलेगा ये वैल्यू पे, फिर थीटा की वैल्यू और इंक्रीज हो रही है, राइट, तब वहां पे वापस आपको मान लो -0.5 या समथिंग आपको मिल रहा है, राइट, समझना। मतलब अब -1 से वापस वो वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में -1 पे पहुंच गई, -1 से वापस वो कम हो रही है -0.8 -0.5 इस तरीके से जा रही है, राइट, मतलब 1 से कम हो रही है, -1 के कंपेयर में वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे वापस आपको वैल्यू मिलेगी -0.8, वापस आपको वैल्यू मिलेगी -0.5 एंड फाइनली 3π/2 पे एक्स कोऑर्डिनेट वापस आपका हो जाएगा 0। सो 3π/2 पे आपके कॉस की वैल्यू वापस हो जाएगी 0। सो कैन आई से थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, हाँ या ना एवरीवन। सो थर्ड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू -1 से 0 की तरफ जा रही है, कैन आई से दैट कॉस थीटा इज इंक्रीजिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट संप्रीता, राइट श्रीकर, राइट रोशनी, विवेक, समृद्धा, क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. चलो ग्रेट। अब 3π/2 से 2π में देखते हैं। 3π/2 से 2π इज नथिंग बट योर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे आपको यहाँ पे अलग अलग थीटा पे जा रहे हो, तो 0 से पहले जैसे आपका थीटा इंक्रीज होगा वापस आपको 0.5 वैल्यू मिल रही है, वापस जैसे आपका थीटा इंक्रीज होगा आपको 0.8 वैल्यू मिल रही है, एंड फाइनली जब वापस आपका 2π हो जाएगा तो आपको वैल्यू 1 मिल रही है, राइट। जब वापस 2π हो जाएगा यहाँ पे अल्टीमेटली वापस वैल्यू आपको मिल रही है 1, यहाँ पे आपको वैल्यू मिली 0.5, यहाँ पे आपको वैल्यू मिली 0.8। सो कैन आई से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, कॉस का ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इंक्रीजिंग है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी इंक्रीजिंग है, बट फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग याद कैसे रखना है वो मैं उसका आपको शॉर्टकट भी दूंगा, अभी बस पहले आपको समझना है। ये क्लियर हो गया कॉस का ग्राफ, पहले ये समझ लिया आपने 0 से 2π में एवरीवन, हाँ या ना, राइट। सी, साइन का ग्राफ आपका 0 से 2π में ये था, राइट, कॉस का ग्राफ आपका 0 से 2π में ये है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन, राइट।
हाँ वंश और स्टालिंग सर ग्राफ समझा दिया आपने, अब कैंशन क्वेश्चन किस वाले आएंगे, पहले ग्राफ समझ लो, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आने वाली है राइट। ये वाले क्वेश्चंस आपके ये वाले ग्राफ आपकी कौन से क्वेश्चन में काम नहीं आएंगे, ये वाले आपके हर क्वेश्चन में काम आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जहाँ पे ये सारे ग्राफ आपके कहीं भी घुस जाएंगे। दिस इज द बेसिक, आप ये समझो कि आप ब्रह्मास्त्र पढ़ रहे हो जो सभी जगह पे अप्लाई होने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में आपका साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक कहीं से भी उसके ग्राफ घुस जाएंगे। चलो ये आपका साइन का ग्राफ था और कॉस का ग्राफ था, दोनों ग्राफ आप एक साथ समझ पा रहे हो एवरीवन राइट? साइन आपका इस तरीके से, कॉस आपका इस तरीके से। अब अगर मान लो मैं कॉस को भी एक्सटेंड कर रहा हूँ, जैसे लास्ट टाइम आपको याद था कि साइन हमने 0 से 2 पाई में पढ़ने के बाद इस तरीके से पूरा साइन को हमने एक्सटेंड किया था राइट? डू यू रिमेम्बर दिस? उसी तरीके से अब हम कॉस को भी एक्सटेंड करते हैं, नॉट ओनली वी विल लिमिट इट फ्रॉम 0 to 2 पाई, बट अगर कॉस आपका और एक्सटेंड होगा तो वो किस तरीके से हो सकता है उसको समझते हैं। हाँ विवेक इज टेलिंग सर साइन और कॉस को कंबाइन कर रहे हैं तो डीएनए जैसा दिख रहा है। किसी को ऐसा बोलना मत, वो बोलेंगे कि मैथ्स में डीएनए कहाँ से आ गया राइट, फिर मेरा नाम खराब होगा कि आशीष सर कैसा पढ़ा रहे हैं, डीएनए पढ़ा रहे हैं मैथ्स में। चलो कॉस की वैल्यू समझो, कॉस आपका 0 से 2 पाई में, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ पाई ले रहा हूँ तो 0 से 2 पाई में समथिंग आपका ग्राफ ऐसा हो रहा है। एम आई करेक्ट? हाँ या ना राइट? ये 0 से 2 पाई में मैंने बस उसको थोड़ा स्क्वीज करके यहाँ पे दिखाया है। चलो अब 2 पाई के बाद यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई, सेम कर्व फॉलो होगा राइट, क्योंकि सेम यूनिट सर्कल फॉलो होगा। एवरीवन सेम यूनिट सर्कल फॉलो होगा, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? नेक्स्ट आप जब रिवर्स जाओगे, रिवर्स में भी सेम चीज फॉलो होगी, यहाँ पे माइनस पाई है, यहाँ पे -2 पाई है। Is this clear, everyone? Okay. मान लो यहाँ पे -3 पाई, -4 पाई ले रहा हूं राइट? हाँ या ना? मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, मिनिमम वैल्यू होगी -1। तो साइन और कॉस का कर्व क्या एक जैसा आपको दिख रहा है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। साइन भी आपका हनी सिंह का ब्लू है पानी पानी गाना है, और कॉस भी आपका ब्लू है पानी पानी है। एम आई करेक्ट? राइट, बट ये पानी कहाँ से पास हो रहा है साइन में और कॉस में वो आपको समझना है। जैसे साइन में आपका ये जो पानी है वो 0 से पास हो रहा है, कैन यू सी दिस राइट? साइन 0 आपका 0 हो रहा है, तो ये पानी इस तरीके से पास हो रहा है कि यहाँ पे आपका 0 पे वैल्यू 0 है, बट कॉस में ये पानी आपका इस तरीके से पास हो रहा है जैसे 0 में आपका 1 आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, सो साइन एंड कॉस का कर्व, अब आज से आप नेक्स्ट टाइम अब आपको कोई भी पूछते हैं साइन और कॉस का कर्व कैसा है तो आउटर आप कुछ भी आंसर दो राइट। वो जैसे मीम्स बनते रहते हैं ना, आउटर मी साइन का कर्व, कॉस का कर्व, इनर मी आज ब्लू है पानी 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 राइट, एंड वो कहाँ से पास हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट, इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके चलो अब मुझे ये बताओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको क्लियर हो गया? आप क्या मुझे इसमें कॉस में आप मुझे उसका डोमेन और रेंज बता सकते हो? अगर f of theta equal to cos theta है, what will be its domain? What will be its range? Yes, domain will be R. Very good, Sampada. Range क्या हो जाएगी? क्योंकि domain minus infinity to infinity के लिए define है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। What about range? Range sine का याद करो, sine का range क्या था? 1 से 0, check, -1 to 1, yes, right? क्योंकि आप y axis पे देखो, range मतलब y axis पे -1 to 1 में सारी वैल्यू मिल रही है ना, रेंज विल बी -1 to 1, -1 to 1 में सारी वैल्यू मिल रही है। चेक हियर, क्या ये -1 to 1 है? बोलो हाँ, कम ऑन टेल मी यस राइट। सेम साइन की जैसे वैल्यू -1 to 1 आ रही थी, कॉस की वैल्यू आपके -1 to 1 है। ओके चलो क्लियर है, तो पहले कॉस का ग्राफ आप लिख लो स्टूडेंट्स, फिर हम जाते हैं कॉस का ग्राफ, उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये सेम चीज मैंने आपको साइन में लिखने के लिए बोला था कि साइन में भी इतना ही लिखो, कॉस में भी आपको इतना ही लिखना है, ठीक है? फिर हम टेन का ग्राफ देखते हैं। Shall we move to graph of 10, right? But before moving to graph of 10, let me show you this.
जैसे कल हमने साइन वाला जो वीडियो देखा था उसी तरीके से अब आपको कॉस वाला वीडियो दिखा देता हूँ, वो आप एक बार देख लो। ओके, कैन यू सी दिस क्रोम स्क्रीन वन मोर टाइम एवरीवन? ओके चलो, नाउ सी, अब इसमें मैंने वीडियो आपका कॉस पे स्टॉप किया है। सी, कॉस की डेफिनेशन आपको पता ही है राइट, कि वो आपको एक्स कॉम्पोनेंट देगा। तो जैसे ये थीटा आपका जीरो से पाई बाई टू में जा रहा है, वैसे उसका एक्स कॉम्पोनेंट, पहले हम सिर्फ जीरो से पाई बाई टू वाला देखेंगे जो अभी हमने पढ़ी लिया है। जैसे थीटा आपका जीरो से पाई बाई टू में जा रहा है, आपका एक्स कॉम्पोनेंट वन से जीरो में जा रहा है। यहाँ पे दोनों चीजें मूव कर रही है, ये वाला पॉइंट थीटा को मूव कर रहा है ब्लैक, वो इधर जा रहा है, और ये वाला जो समथिंग रेड या दूसरे कलर का पॉइंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है, वो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों को एक साथ देखो, जो सर्कल में दोनों पॉइंट मूव कर रहे हैं, ये पॉइंट इधर जा रहा है, ये पॉइंट इधर जा रहा है, ये आपके थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके एक्स को रिप्रेजेंट करता है। थीटा की वैल्यू जीरो से पाई बाई टू हो रही है, एक्स की वैल्यू वन से जीरो हो रही है। क्लियर एवरीवन? राइट, चलो नेक्स्ट। उसी तरीके से पाई बाई टू से पाई में एक्स की वैल्यू आपकी जीरो से माइनस वन हो रही है, ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर राइट? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका पाई से थ्री पाई बाई टू, पाई से थ्री पाई बाई टू में वो वैल्यू आपकी माइनस वन से लेकर जीरो तक हो रही है, और थ्री पाई बाई टू में टू पाई, वो वैल्यू आपकी माइनस वन से यस माइनस वन से लेके सॉरी जीरो से लेके वन तक जा रही है। यहाँ पे कॉस जीरो है और यहाँ पे वन है। क्लियर एवरीवन? कॉस का ग्राफ क्लियर हो गया राइट? चलो, कैन वी स्टार्ट ग्राफ ऑफ टेन नाउ? ओके, नाउ सी, अब टेन के लिए हम एक चीज समझेंगे। क्या tan थीटा आपका यूनिट सर्कल से डिफाइन है? फर्स्ट टेल मी दिस, क्या tan थीटा आपका यूनिट सर्कल से, आपने कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन डिफाइन किए थे? यस, नॉट डायरेक्टली डिफाइन राइट, हमने सिर्फ साइन और कॉस डिफाइन किए थे राइट right? हाँ, tan थीटा आपका, विवेक प्लीज म्यूट योरसेल्फ, tan थीटा आपका कैसे डिफाइन है? It is nothing but your sine divided by cos. Sine is your y coordinate and cos is your x coordinate, right? So ये आपका tan theta है. Tan theta is equal to sine theta upon cos theta. Can you see this? You can tell me yes if it is visible to you, right? Now, अब मुझे ये बताओ, maths में आप ये चीज already पढ़ चुके हो, जब हम function define कर रहे थे, उसका domain और range find कर रहे थे. Okay, just tell me. फंक्शन जब आपको पी ऑफ थीटा बाई क्यू ऑफ थीटा राइट, पी बाई क्यू होता है, तो हम कैसे लिखते हैं राइट? हाँ, मतलब यस, उसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो राइट। इन अ सेम वे क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, जब मैं टेन थीटा डिफाइन करूंगा, मेरा कॉस थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, करेक्ट एवरीवन राइट? चलो, अब कॉस थीटा आपका जीरो कहाँ कहाँ पे होता है चेक, कॉस थीटा आपका जीरो कहाँ कहाँ पे होता है? कॉस थीटा आपका जीरो होता है पाई बाई टू पे, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, एम आई करेक्ट? या फिर माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस फाइव पाई बाई टू, माइनस सेवन पाई बाई टू, माइनस नाइन पाई बाई टू, एम आई करेक्ट? माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू राइट, माइनस फाइव पाई बाई टू, माइनस सेवन पाई बाई टू। सो कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, 5 pi by 2 and so on. In a same way, negative mein minus pi by 2, minus 3 pi by 2 and so on. Haan, Maurya Vardhan is telling sir, that is y dash. Haan, Maurya Vardhan, kahan pe aap bol rahe ho y dash? Kahan pe? Sir, pehla wala graph mein sir. Achha, ye wala. Achha, this is y and this is y dash. Okay. My mistake. Yahan pe theek hai, yahan pe sirf y likha hai. Okay. Thank you, Maurya. Chalo, yahan pe. Ye clear hai pehle, f of theta equal to tan theta. कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स राइट। अब इसको अगर मुझे जनरल फॉर्म में लिखना हो, तो मैं क्या इसका जनरल फॉर्म ऐसा बता सकता हूँ, ये पाई बाई टू का बस एक ऑड मल्टीपल है, वन थ्री फाइव, माइनस वन, माइनस थ्री, माइनस फाइव राइट। तो थीटा आपके पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल नहीं होगा, और ऑड नंबर को कैसे लिखा जाता है ये हम क्लास टेंथ में पढ़ गए थे, टू के प्लस वन और टू के माइनस वन, वेर के इज योर इंटीजर। क्योंकि k इंटीजर रखोगे, k इक्वल टू जीरो रखोगे तो वन पाई बाई टू मिलेगा, k वन रखोगे तो थ्री पाई बाई टू मिलेगा, k की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो
सिमिलरली आपको नेगेटिव वैल्यूज भी मिलती जाएंगी, नेगेटिव कोएफिशिएंट्स भी मिलते जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू। थीटा इज नॉट इक्वल टू 2k + 1 पाई बाय 2, दिस इज द कंडीशन फॉर योर tan थीटा। ओके, चल अब tan की वैल्यू याद करो, राइट? आप जो वैल्यू टेबल लिखते थे उसमें tan की वैल्यू आपको याद है? 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। दैट मींस ये क्लास 9th में जब आप पढ़े थे ये सब डिग्री में पढ़े थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, राइट? चलो tan की वैल्यू आपको 0 पे क्या मिलेगी? tan 0, 0। tan 60 आप उसको रूट थ्री से याद रखते थे, ये 1/√3 से याद रखते थे, इसको 1 याद रखते थे, और ये नॉन डिफाइन होता था। डू यू रिमेम्बर दिस एवरीवन? राइट, वहां पे वो आपका नॉन डिफाइन होता था। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? अब आप यहाँ पे कुछ चीज समझने की कोशिश करो, tan की एग्जैक्टली हमें कौन कौन सी वैल्यू मिलेंगी उसके ग्राफ में, पहले वो समझना है। जैसे अगर मैं tan थीटा के लिए बात कर रहा हूँ, साइन बाई कॉस है, साइन की वैल्यू भी माइनस वन से वन के बीच में और कॉस की वैल्यू भी माइनस वन से वन के बीच में, हाय ना एवरीवन? साइन की वैल्यू भी माइनस वन और वन से बीच में, कॉस की वैल्यू भी माइनस वन और वन से बीच में। आपको साइन को कॉस से डिवाइड करना है। अब माइनस वन बाई वन को माइनस वन बाई वन से आप डिवाइड करते हो तो कौन कौन सी वैल्यू मिल सकती है उसको समझते हैं, ठीक है? तो इसमें मैं आपको सिर्फ पहले पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, फिर नेगेटिव ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो मैं इसमें सिर्फ पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड कर रहा हूँ अभी के लिए। Can you able to understand this, right? मतलब 0 से 1 की वैल्यू को मैं 0 से 1 से डिवाइड कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर में तो वो 0 हो ही नहीं सकता। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना, राइट? चलो अब 0 टू 1 में इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। मान लो न्यूमिनेटर में जो आपकी वैल्यू है वो क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 है, और जो 1 है वो वाला केस में अलग ले रहा हूँ, ठीक है? क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 को मैं डिनोमिनेटर में से सिर्फ 1 ले रहा हूं। जब मैं क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 की सारी वैल्यूज को 1 से डिवाइड करूंगा, एज फॉर एग्जांपल यहां पे जो आपका एग्जांपल है वो हो जाएगा 0 से 1 के बीच की वैल्यू, तो उसमें आपके कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? 0/1, 0.1/1, 0.2/1, 0.9/1, ऐसे सारे के सारे आ जाएंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, राइट? तो यहां पे आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा? 0/1 0, 0.1/1 0.1 एंड 0.9/1 0.9। मतलब 0 से 1 के बीच की जितनी वैल्यू है वो सारी की सारी आ जाएगी, क्योंकि जब भी आप 1 से डिवाइड करते हो आपका जो आंसर है वही आएगा, हाँ या ना? जो डिविडेंड को आप 1 से डिवाइड करते हो जो आपका डिविडेंड है वही आंसर आएगा। यहाँ पे आपको 0 टू 1 ही आंसर आएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? क्या ये पता चल रहा है? ओके, नेक्स्ट। अब मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूँ ओपन इंटरवल 0 से लेके क्लोज इंटरवल 1 तक सारी वैल्यूज से, ठीक है? तो पहले मुझे ये बताओ 1/1 आपको क्या मिलेगा? जब आप 1/1 करोगे तब तो आपको आंसर से 1 ही मिलेगा, राइट? 1/1 इज गोइंग टू गिव यू 1। यहाँ पे आपका एग्जांपल 1/1 होगा, 1/0.1 होगा, 1/0.01 होगा, राइट? 1/0.001 होगा, उसी तरीके से 1/0.2, 1/0.02, राइट? 1/0.05, 1/0.009, ऐसे सारी वैल्यूज मुझे मिलेंगी। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना, राइट? अब इनका आंसर आपको क्या मिलेगा वो समझने की कोशिश करो। 1/0.1 आपको क्या मिलेगा? Isn't it 10? पता चल रहा है? 1/0.01 आपको क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। 1/0.001 आपको क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो क्या यहाँ पे 1, 10, 100, 1000 ये सारी वैल्यूज मिलेंगी? और ये तो सिर्फ मैंने 0.1 उसको डिवाइड किया, जब ये बीच वाली सारी वैल्यू आप डिवाइड करोगे 0.2, राइट? जैसे 0.2 को डिवाइड करोगे तो वहां पे आपको 5 मिल जाएगा, राइट? इजंट इट 2/10? यहाँ पे 5 मिलेगा कि नहीं, हाँ या ना, राइट? ये आपका हो जाएगा 5/100, यहाँ आपको 20 मिल जाएगा, ये आपको 5 देगा, ये आपको 20 देगा। इस तरीके से कैन आई से दैट इनफाइनाइट तक सारी वैल्यू मिलेगी? मजा आ रहा है, लॉजिक समझ रहे हो स्टूडेंट्स, हाँ या ना, राइट? अल्टीमेटली अगर इन दोनों वैल्यूज को आप कंबाइन करो तो आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है? आपको क्लोज इंटरवल 0 से लेके इनफाइनाइट तक सारी वैल्यू मिल रही है। ये क्लोज इंटरवल 0 से लेके इनफाइनाइट तक सारी वैल्यू मिल रही है। देखो कुदरत का करिश्मा, देखो जादू, आप सिर्फ क्लोज इंटरवल 0 से 1, राइट? मैंने आपको बोला था कि आपके पूरी नंबर लाइन में, पूरी नंबर लाइन में 1 से बड़े नंबर एक तरफ, 1 से बड़े नंबर एक तरफ और 0 से 1 वाले नंबर एक तरफ,
ये आपका नैनो साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे अलग रूल्स अप्लाई होते हैं, समझ रहे हो ना। सिर्फ एक से अगर आप इन सबको डिवाइड कर रहे हो, राइट, एक से जैसे आप इन सबको डिवाइड करो, ये छोटे नंबर को डिवाइड करो, आपको बड़े बड़े नंबर मिल रहे हैं। 1 divided by 0.1 कर रहे हो, 10 मिल रहा है। जितना छोटा नंबर डिवाइड कर रहे हो उतना बड़ा नंबर मिल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे 0.1 की वैल्यू और डिक्रीज कर रहे हो, ये आपको और बड़ा मिल रहा है। इसको और छोटा कर रहे हो, इसको और बड़ा मिल रहा है। जितना आप जीरो के करीब की वैल्यू डिवाइड करोगे उतनी आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट, हाँ समर्थ। यहाँ पे आपको मिले, यहाँ से हमें मिलेगा क्लोज इंटरवल 1 to infinity, राइट। अब ये क्लोज इंटरवल 1 to infinity और इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्लोज इंटरवल 0 to infinity। क्या यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 to infinity मिल जाएगा हमें? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ या ना? राइट, 10 में। अब ये तो सिर्फ मैंने आपको पॉजिटिव का दिखाया। सिंस इट इज सिमेट्रिक, नेगेटिव के लिए जब डिवाइड करूंगा तो नेगेटिव के लिए भी हमें सेम मिलेगा। क्या नेगेटिव के लिए यहाँ मुझे माइनस इन्फिनिटी से जीरो मिलेगा कि नहीं? हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सो यहाँ से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो 10 की रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी? राइट, ये सबसे मैं ये कंक्लूजन कर सकता हूँ, रेंज ऑफ टेन थीटा विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट, विच इज नथिंग बट आर। रेंज ऑफ टेन थीटा विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू आर। पहले ये क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट, 10 आपको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब 10 का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो 10 का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें यूनिट सर्कल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, क्योंकि यूनिट सर्कल से तो बस साइन और कॉस ही डिफाइन है। हाँ या ना? चक्कर आ रहे हैं संपदा? हाँ चलो, अब ये जीरो, सबसे पहले 10 आपका कहाँ पे डिफाइन नहीं है वो हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। हर एक पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे वो डिफाइन नहीं है, राइट। तो जैसे जीरो के बाद मैं यहाँ पे पाई बाई टू लिख रहा हूँ, ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा, इतना इनफ है अभी के लिए। यहाँ -π/2 लिख रहा हूँ, यहाँ -π लिख रहा हूँ, ये -3π/2 लिख रहा हूँ। मुझे ये पता है कि tan थीटा जो भी मैं कर्व प्लॉट करूंगा वो π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, तो मैं π/2 को हटा देता हूँ ग्राफ से। 3π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, ये वाली पूरी लाइन हटा देता हूँ। -π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, -3π/2 पे डिफाइन नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब 10 की सारी वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमें ये पता है कि 10 की वैल्यू माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट मिलेगी, उसमें से 0 से π/2 के अंदर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहां पे आपका साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो 0 से π/2 में आपको tan 0 0 मिल रहा है, पहले वो वैल्यू रखते हैं। सो tan 0 आपको 0 मिलेगा। ये क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट, उसके बाद जब आप π/6 रखते हो तो 1/√3 मिलेगा। समझना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये आपका π/6 होता है, ये π/3 होता है और बीच में π/4 होता है। π/4 पे आपको वैल्यू 1 मिल रही है, 1 वैल्यू आपको π/4 पे मिल रही है। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ ठीक है लोहित, नो प्रॉब्लम, वेट फॉर सम टाइम, आप रिकॉर्डिंग से देख लेना, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे π/6 30° पे 1/√3 होगी, 1.73, राइट, वो 0.58 के समथिंग आपको मिलेगा, राइट, दैट विल बी समथिंग 0.58। रूट थ्री की वैल्यू 1.73 होगी, राइट। चलो अब ये पैटर्न को देख के आप ये समझ पा रहे हो कि आपको 10 की वैल्यू हमें 0 से ∞ जाने वाली है इधर, राइट, ये इस तरीके से 0 से ∞ के करीब जाएगी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये वाला कर्व क्लियर हो रहा है कहां से? जितना 10th से हमें ये 10 की वैल्यू पता थी, राइट, वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज योर 10 थीटा, दिस इज योर थीटा इन रेडियन और डिग्री। पहले 0 से π/2 में आपको 10 का कर्व क्लियर हुआ? इफ इट इज क्लियर यू कैन टेल मी यस। 0 से π/2 एवरीवन, 0 से π/2 एवरीवन, किसी को भी डाउट है तो बोलो। अरे 0 से π/2, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्लियर है? हाँ है ना? साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, समझो। अभी तक हमने, अभी पिक्चर अभी बाकी है, बट पहले जितना पढ़ा उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि टेन साइन बाई कॉस होता है, कॉस जीरो नहीं हो सकता 10 के लिए, मतलब थीटा आपका π/2 के ऑड मल्टीपल नहीं हो सकते। तो हमने ग्राफ में जितने भी π/2 के ऑड मल्टीपल है उन सबको हमने डिलीट कर दिया कि यहाँ पे 10 डिफाइंड नहीं है, इन सभी पॉइंट पे 10 डिफाइंड नहीं है। दूसरी चीज, उसके बाद हमने वो रिकॉल किया जो हम क्लास 10th में जानते थे, 0 से 90° में 10 की वैल्यू आपकी क्या होती है? 0 1/√3 1/√3, और यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। सो यहाँ पे आपका 10 0 0 π/6 √3 π/4 पे आपका वैल्यू हो जाएगा 1, π/3 पे उसकी वैल्यू हो जाएगी √3 1.73, π/2 पे डिफाइन नहीं है। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि जब हम -1 to 1 को -1 to 1 से डिवाइड करेंगे
तो हमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर्स मिल जाएंगे, मतलब 10 की रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आनी चाहिए। इन सभी को अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ पे हमारी 0 से रूट 3 तक वैल्यू जा रही है, सिंस 5/2 पे वो डिफाइन नहीं है, तो डेफिनेटली ये रूट 3 से आपका इनफाइनाइट तरफ जाना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 0 से इनफाइनाइट की ओर। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना, अभी क्लियर है? ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, माइनस 5/2 टू 0 में जाते हैं स्टूडेंट्स। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में उसको आइडेंटिफाई करते हैं। लेट अस टेक दिस फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे ये बताओ, साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है कि कॉस पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है? साइन का कर्व है, राइट? अब हम 0 से माइनस 5/2 में जा रहे हैं, बोलो साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? साइन नेगेटिव है, हाँ या ना, राइट? कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में? कॉस पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, चेक। क्या यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। या ऑलएसटीसी से आप पूरा याद कर सकते हो, राइट? ऑलएसटीसी से साइन बाई कॉस पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको 10 की नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अब 10 की नेगेटिव वैल्यू सेम सिमेट्रिक ऑर्डर में हम जाएंगे, जैसे पाई बाई 6, पाई बाई 3 और बीच में पाई बाई 4। सो 10, अब ये सारे एंगल आपके नेगेटिव होंगे, 10 माइनस पाई बाई 4 पे आपको माइनस 1 मिलेगा क्योंकि वहां पे प्लस 1 मिल रहा था। यहाँ पे 1/√3 तो ये माइनस 1/√3 मिलेगा, यहाँ पे रूट 3 तो माइनस रूट 3 मिलेगा। और जैसे आप यहाँ पे पहुंचोगे दिस शुड बी योर इनफाइनाइट। क्या ये कर्व क्लियर हुआ एवरीवन? 10 का कर्व फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट? माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी सारी वैल्यू वो कवर कर रहा है, चेक। माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी कवर कर रहा है। फिर जैसे ही आप वहां से वापस इधर आके बढ़ोगे सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सेम वो कर्व आपका रिपीट होगा। 10 का कर्व इस तरीके से वापस चलता जाएगा, राइट? यहाँ 3π/2 से 5π/2 में चलता जाएगा, माइनस 3π/2 से माइनस 5π/2 में चलता जाएगा। यस, स्निग्ध इज टेलिंग सर इट इज लुकिंग लाइक क्यूबिक ग्राफ। यस, इट इज योर क्यूबिक ग्राफ ओनली। एंड ये मुझे बताओ, क्या 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीजिंग है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है। कैन आई से 10 ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, राइट? और मैं आपको एक थंब रूल दूंगा याद रखने के लिए। थंब रूल, ग्राफ ऑफ tan थीटा इज लाइक एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, राइट? याद करो, ऑलवेज इंक्रीजिंग। टेन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, एक्स क्यूब इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। यही होता है आपके एक्स क्यूब का ग्राफ, यही होता है आपके टेन का ग्राफ। तो जब भी फिर नेक्स्ट टाइम आपको टेन का ग्राफ प्लॉट करना, आप डायरेक्टली एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। बोलो आसान है स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इजी है, yes, sir. Right? हाँ, चलो इसे नोट डाउन कर दो ये सारी चीजें। पर अब तो 10 का डोमेन हम लिखेंगे, 10 का रेंज ऑलरेडी हमने लिख दिया है, इंक्रीजिंग भी हो गया, ग्राफ भी हो गया। सो tan थीटा का डोमेन क्या आ जाएगा? डोमेन विल बी इक्वल टू r, बट r में से बस आपको ऑड मल्टीपल माइनस कर देना है, 2k+1π/2 आपको माइनस कर देना है, जहां पे k बिलोंग्स टू r और z, और रेंज आ जाएगी r, राइट? डोमेन रेंज इंक्रीजिंग बिटवीन। चलो सिंस आपको साइन कॉस टेन का अभी क्लियर है स्टूडेंट्स ग्राफ, अब आगे बढ़ते हैं कॉसेक सेक कोट का देखते हैं। तो पहले कॉसेक तीनों एक साथ ही देख लेंगे, वो जब आप लिखोगे तब मैं आपके अटेंडेंस और रिमेनिंग स्टूडेंट्स का होमवर्क चेक हो जाएगा, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस हम देख लेंगे, राइट? चलो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, कॉसेक थीटा, हाउ योर कॉसेक थीटा इज डिफाइंड? बोलो कॉसेक थीटा कहां से डिफाइन है? क्या वो यूनिट सर्कल से डायरेक्टली डिफाइन है? 1/sin θ, वेरी गुड मौर्य वर्धन, राइट? वेरी गुड विवेक। सो कॉसेक थीटा इज नथिंग बट योर 1/sin θ। अब सिमिलरली जब आप 1/sin θ लिखते हो तो क्या कंडीशन आ जाएगी? जब डिनोमिनेटर में वहां पे कॉस था, कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, साइन थीटा के लिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? साइन थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट नेहा? राइट मौर्य वर्धन, ओके। सो साइन थीटा आपका यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। अब हमें ये पहले पकड़ना है कि साइन थीटा 0 कब कब होता है। चलो लेट अस सी दिस, ये आपका साइन का कर्व है,
राइट, यू कैन टेल मी यस, ये आपका साइन का कर्व है, उसमें से हम यहाँ तक देखते हैं, जीरो से फोर पाई तक क्लियर है, पहले जीरो से टू पाई वाला ही देखेंगे, वाई एक्सिस को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। This is our y dash, this is y. चलो तो साइन आपका जीरो होता है जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, फोर पाई पे, माइनस पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई, माइनस फोर पाई पे, एम आई करेक्ट? सो इफ साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, पहले मैं अगर पॉजिटिव में लिख रहा हूँ जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, राइट, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस पाई, माइनस टू पाई, लाइक दैट। थीटा आपका ये सारी वैल्यू कुछ नहीं होगी, जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, जीरो माइनस पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई, एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना, राइट? तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई, थीटा आपका एन पाई नहीं होगा, या लास्ट टाइम के टर्म में लिखा था तो के टर्म में लिख देते हैं, वेयर के इज योर इंटीजर, थीटा आपका के पाई नहीं होगा, राइट? तो जहां पे भी वो आपका के पाई है वहां से पहले उसको गायब कर देते हैं, जीरो वाला गायब हो जाएगा, वहां पे डिफाइन नहीं होगा, पाई वाला यहाँ पे गायब हो जाएगा, वो आपका डिफाइन नहीं होगा, टू पाई डिफाइन नहीं होगा, राइट, यहाँ पे थ्री पाई पे वो नहीं डिफाइन होगा, राइट, फोर पाई पे डिफाइन नहीं होगा, सिमिलरली यहाँ पे माइनस पाई पे डिफाइन नहीं होगा, माइनस टू पाई पे डिफाइन नहीं होगा, माइनस थ्री पाई पे डिफाइन नहीं होगा आपका कोसेक थीटा, एंड माइनस फोर पाई पे डिफाइन नहीं होगा। ये क्लियर हुआ पहले एवरीवन, कहाँ पे डिफाइन नहीं है, इज दिस क्लियर? राइट, अब जब वो डिफाइन होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी उसको समझते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी उसको समझते हैं। अब देखो, जैसे ये वन अपॉन साइन थीटा है, समझो स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा आपका है वन अपॉन साइन थीटा, राइट, वन अपॉन साइन थीटा मतलब अगर मैं उसकी वैल्यू देख रहा हूँ तो वन अपॉन माइनस वन टू वन आपको करना है, हाँ या ना, जहाँ पे जीरो आपका अवेलेबल नहीं है, तो सेम नेगेटिव और पॉजिटिव में से मैं पहले वन अपॉन जीरो बाई वन कर देता हूँ, क्या ये मैं कर सकता हूँ, वन अपॉन जीरो बाई वन पॉजिटिव, अब वन अपॉन जीरो बाई वन आप ऑलरेडी कर चुके हो कि नहीं, ये वन अपॉन जीरो बाई वन आप ऑलरेडी कर चुके हो, हाँ या ना, टेन के लिए किया था कि नहीं, जल्दी बोलो, बोलो अनन्या, तो ये वन अपॉन जीरो टू वन का आंसर क्या मिला था आपको अनन्या, ये वन अपॉन जीरो टू वन का आंसर हमें क्या मिला था, क्या ये मिला था कि नहीं, जब हमने इसको किया था, ये सारे एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया, वहां पे हमारे पास आंसर क्लोज इंटरवल वन टू इन्फिनिटी आया था, राइट, अनघा, अनघा नहीं है, अनघा है, यस, चिन्मई, ध्रुव, वन अपॉन जीरो टू इन्फिनिटी, वन अपॉन जीरो टू वन, वो वन अपॉन वो वन टू इन्फिनिटी हमें मिलेगा कि नहीं, एवरी वन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, नहीं पता चल रहा है तो ना बोल दो, फ्रेंकली पता चल रहा है तो हाँ बोल दो, तो मुझे पता चलेगा रिपीट करना है, दूसरे तरीके से पढ़ाना है कि क्या करना है, राइट, नाजनीन, प्रीति, नव्या, स्निग्धो, याशिका, जैन, क्लियर है, राइट, वरुण, सुहास, सुहान, राइट, वन डिवाइड बाई ओपन इंटरवल जीरो टू वन, इट विल गिव यू क्लोज इंटरवल वन टू इन्फिनिटी, आपको क्लोज इंटरवल वन टू इन्फिनिटी देने वाला है, राइट, सुप्तिका, तो ये आपको क्लोज इंटरवल वन टू इन्फिनिटी देगा, इसको यहाँ पे समझ भी लेते हैं, चलो समझो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले यहाँ पे जीरो से पाई बाई टू है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जीरो जीरो है, वन अपॉन जीरो वहां पे डिफाइन नहीं होगा, ये वन है, राइट, कॉस का, कॉसेक का कर्व में येलो लाइन से प्लॉट कर रहा हूँ, समझना, कॉसेक का कर्व यहाँ पे येलो से कर रहा हूँ, तो वन बाई वन यहाँ पे आपको कॉसेक की वैल्यू वन मिलेगी, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, yes, sir. अब जीरो से पाई बाई टू में यहाँ पे वैल्यू जीरो टू वन के बीच में है, आपको ये पता है कि साइन पाई बाई सिक्स वन हाफ होता है, जब आप ये साइन पाई बाई सिक्स वन हाफ को वन से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको टू मिलेगा, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, ये साइन पाई बाई सिक्स आपको यहाँ पे टू मिलेगा, राइट, वन बाई हाफ विल गिव यू टू, सिमिलरली पाई बाई फोर वन अपॉन रूट टू होता है, वन अपॉन रूट टू को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको रूट टू मिलेगा, राइट, यहाँ रूट थ्री बाई टू होता है वो टू बाई रूट थ्री मिलेगा, फिर जैसे जैसे जीरो के नजदीक जाते जाओगे वन बाई पॉइंट वन वो टेन मिलेगा, फिर हंड्रेड मिलेगा, फिर थाउजेंड मिलेगा, राइट, इस तरीके से वो वैल्यू इन्फाइनेट के करीब जाती जाएगी, कहने से आपको ग्राफ समथिंग ऐसा मिलेगा, हाँ या ना, यस सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट जीरो टू पाई बाई टू, ये क्लियर है एवरीवन, राइट, जीरो टू पाई बाई टू में जो मैंने कॉसेक का ग्राफ प्लॉट किया, क्या ये क्लियर है एवरीवन, राइट, सिंपल है, ये साइन कर्व आपका ये है, राइट, साइन उसका रेसिप्रोकल हो गया, ये पूरा एक्सटेंड हो गया, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था, ब्यूटी ऑफ जीरो टू वन, ब्यूटी ऑफ द नंबर लाइंस बिटवीन जीरो टू वन, जब भी आप वन अपॉन जीरो टू वन करते हो वो वन टू इन्फाइनाइट आपको मिल जाते हैं, वो सारे के सारे नंबर आपको वन टू इन्फाइनाइट मिल जाएंगे, वन के लिए वन मिलेगा, फिर जैसे जैसे आप जीरो के नजदीक जाते जाओगे वैसे वैसे वो वैल्यू और बढ़ती जाएगी, चेक करो,
जैसे जैसे हम जीरो के और नजदीक जाते जाते हैं, 0.1, 0.01, 0.00, ये वैल्यू आपकी और बढ़ती जाती है, 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो रहा है, देखो यहाँ पे भी ये 0 to 1 हो रहा है, ये 1 to 0 जा रहा है, तो ये जैसे 1 to 0 जाएगा ये 1 to ∞ जाएगा, ये 1 पे ये दोनों चीजें सेम होगी और यहाँ पे ये 1 to ∞ जाएगा। एम आई करेक्ट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? तो जब भी आपका साइन का ऐसा कर्व है, जब भी आपके साइन का ऐसे अपवर्ड वाला कर्व है, वहां पे उसका रेसिप्रोकल आपको ऐसा मिलेगा, कॉसेक के लिए आपको रेसिप्रोकल ऐसे मिलेगा, राइट? अपवर्ड कर्व का रेसिप्रोकल आपको ऐसे मिलेगा, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ऐसा मिलेगा। ओके, चलो अब जब आप डिवाइड कर रहे हो, राइट, अब जैसे ये अपवर्ड साइन के कर्व में आपके पास ये दो कर्व आते हैं, राइट, ऐसा कर्व, एक ऐसा कर्व आता है, एक ऐसा कर्व आता है, इसको बोला जाता है कॉनकेव डाउनवर्ड, इसको बोला जाता है कॉनकेव अपवर्ड। तो ये वाले कर्व का रेसिप्रोकल आपको ये मिला, अब ये वाले कर्व का रेसिप्रोकल क्या मिलेगा ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, क्या ऐसा मिलेगा? हाँ या ना एवरीवन, राइट? सो यहाँ पे कैन आई से दैट हियर योर कर्व विल बी लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। सो दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cosec x और y इक्वल टू cosec थीटा और f ऑफ थीटा इक्वल टू cosec थीटा। x एक्सिस पे हमने लिया है थीटा और ये वाला ग्राफ है आपका cosec थीटा का। यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना, राइट? मान लो मैं यहाँ से आपका, अगर आपका sin थीटा वाला कर्व दूर कर रहा हूँ, तो ये एग्जैक्ट आपका सिर्फ cosec का ग्राफ बन जाएगा। ओके, अब आप बोलो वैसा करता हूँ, sin का अंदर रहने दूं कि निकाल दूं? sin का कर्व रहने देना है स्टूडेंट्स? रहने दो, पेरेंट्स रहने देते हैं? हाँ, साइन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज योर, दिस पेन, दिस कलर, दिस इज योर साइन थीटा, दिस इज कॉसेक थीटा। चलो अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले कॉसेक का डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, राइट? जैसे यहाँ पे 1 to ∞ मिला, यहाँ नेगेटिव के लिए आपको सेम -∞ to -1 मिल जाएगा। सो डोमेन ऑफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आर माइनस के पाई, वेर के बिलोंग टू आई, क्योंकि वहां पे आपका साइन जीरो हो जाता है, एंड रेंज विल बी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, राइट? इन दोनों का समेशन। इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, राइट? क्योंकि उसका जो आंसर मिल रहा है वो आर में से -1 to 1 में पूरा खाली मिलेगा, हाँ या ना? क्योंकि जहां पे वो साइन आता है वहां पे वो पूरा आपको खाली मिलेगा, -1 to 1 उसकी वैल्यू कभी होगी ही नहीं। इज दिस क्लियर एवरीवन? कॉसेक का ग्राफ सबको क्लियर है, राइट? चलो इसे नोट डाउन कर दो क्विकली। नाउ लेट अस सी योर ग्राफ ऑफ sec थीटा एंड cot थीटा। चलो जैसे आपने cosec का ग्राफ देखा वैसे ही sec का ग्राफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। cosec का आपने साइन की मदद से देखा तो sec आपका cos की मदद से हो जाएगा। सबसे पहले आएगा 1/cos थीटा। अब tan में भी साइन अपॉन cos था तो वहां पे भी आपने पहले cos थीटा कहां जीरो नहीं होता है वो ऑलरेडी लिखा हुआ था, हाँ या ना? क्या वो सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी? कंटिन्यू, यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? इसके लिए आपका cos थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, तो थीटा आपका पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। फिर cos थीटा का जो आपने ग्राफ देखा था, राइट, उसी ग्राफ को हम कंटिन्यू करेंगे। ये वाला आपका cos थीटा का ग्राफ है। अब ये वाले ग्राफ से हम sec थीटा का ग्राफ बनाएंगे। तो पहले सेम चीज, ये आपका cos थीटा का ग्राफ है। अब ये आपका कहाँ कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, हर एक पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे आपका ग्राफ डिफाइन नहीं होगा। तो पहले इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से हम अरेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे sec के ग्राफ के लिए जगह बना देते हैं। इतना इनफ है। ये -1 है आपका इधर y एक्सिस, x एक्सिस, ओके, देन पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल पे ये आपका डिफाइन नहीं होगा,
तो पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जैसे ये वाला पहले हो जाएगा पाई बाई टू का फर्स्ट मल्टीपल, दैट विल बी पाई बाई टू इटसेल्फ, पाई, फिर यहाँ का हो जाएगा थ्री पाई बाई टू इटसेल्फ, थ्री पाई बाई टू के बाद ये आपका फाइव पाई बाई टू, इतना इनफ है, इसके बाद वाला देखने की जरूरत नहीं है। सेम यहाँ पे माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस फाइव पाई बाई टू, राइट, इतना इनफ है, इसके और आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलो, कैन यू सी दिस ऑल फिगर्स एवरीवन हियर, राइट नाउ, अब सेक थीटा इज वन अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन माइनस वन टू वन, राइट, एक्सेप्ट जीरो, सो सेम चीज यहाँ पे आपको मिलेगी, राइट, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन और वन टू इन्फिनिटी मिलेगा, जैसा आपको कॉसेक में मिला था, राइट नेहा, राइट मौर्य, राइट अनन्या, एवरीवन, अभिलाष, राइट, सो ये वन बाय वन आपका वन हो जाएगा, जीरो से वन का रेसिप्रोकल आपको इनफाइनाइट टू वन मिलेगा, राइट, जीरो से वन का रेसिप्रोकल आपको इनफाइनाइट टू वन मिलेगा, सेम जीरो से वन का रेसिप्रोकल आपको इनफाइनाइट टू वन मिलेगा, जो हम सेम साइन के कर्व में करते थे, राइट, जहां पे आपके पास ये वाला कर्व है, राइट, जहां पे आपके पास ये वाला कर्व है, ऐसा वाला विच इज योर कॉनकेव डाउनवर्ड, उसका रेसिप्रोकल आपको मिलता है एस, सिमिलरली यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल मिलेगा ऐसे, सिमिलरली यहाँ पे रेसिप्रोकल मिलेगा ऐसे, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, जैसा आपका कॉसेक का कव था वैसा ही आपको सेक का कव मिलेगा, राइट, सेम कव, प्रज्ञा, नव्या, फिर यहाँ डाउनवर्ड है, वहां पे आपको ऐसा इधर डाउनवर्ड मिलेगा, यहाँ डाउनवर्ड पे आपको ये डाउनवर्ड मिलेगा, राइट, यहाँ पे समथिंग ऐसा जाएगा और यहाँ पे समथिंग ऐसा जाएगा, राइट, सो कॉसेक थीटा के लिए यहाँ पे येल्लो लाइन वाला ग्राफ आपका सेक थीटा का है और व्हाइट लाइन वाला ग्राफ आपका कॉस थीटा का है। सेक थीटा के लिए डोमेन और रेंज में आपको बता देता हूँ, सो हियर योर डोमेन विल बी r माइनस टू के प्लस वन पाई बाई टू, के बिलोंग्स टू i, रेंज विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट, फटाफट एक फाइनल ग्राफ देख लेते हैं, कॉट का ग्राफ, राइट, दिस इज योर sec थीटा, नाउ सिक्स्थ, अथर्व पता चल रहा है, f ऑफ थीटा इक्वल टू cot थीटा, चलो सो कॉट के ग्राफ के लिए आपके पास सेम कंडीशन आएगी, सबसे पहले कॉट इज नथिंग बट योर कॉस डिवाइड बाय साइन थीटा, तो वन अपॉन साइन थीटा के लिए आप ऑलरेडी कॉसेक में कंडीशन लिख चुके हो, राइट, तो वन अपॉन साइन थीटा के लिए आपका साइन थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब थीटा आपका के पाई नहीं होगा या एन पाई नहीं होगा, तो सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी, थीटा इज नॉट इक्वल टू के पाई, मोर ओवर हम कॉट थीटा को वन अपॉन टेन भी लिख सकते हैं, हाँ या ना, कॉट थीटा इज नथिंग बट योर वन अपॉन टेन, तो जो टेन का ग्राफ है वहां से भी हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी आपकी मेहनत होगी वो समझना, cot theta इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, राइट, चलो नहीं वो कॉस वाइज साइन ही रहेगा विवेक, थोड़ा सिंप्लीफाई करो आपको पता चल जाएगा, चलो अब हम डिवाइड करते जाएंगे, अब यहाँ पे आपको समझना है, बट यहाँ पे डिवीजन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझो यहाँ पे, जैसे मान लो कॉट से मैं ये टेन थीटा का ग्राफ है, अब टेन थीटा से मैं कॉट प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका ग्राफ जीरो से वन की ओर जा रहा है, राइट, अभी हमने देखा कि जो वन पे रेसिप्रोकल आपको वन ही मिलेगा, बट जीरो से वन का रेसिप्रोकल आपका इधर वन टू इन्फिनिटी जाएगा, हाँ या ना एवरीवन, और यहां से वो वन टू इन्फिनिटी है, वन टू इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल आपका वन टू जीरो जाएगा, राइट, ये पता है आपको, ये अभी हमने पढ़ा कि नहीं स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, कि जीरो और वन, वन डिवाइड बाई जीरो टू वन करोगे आपको वन टू इन्फिनिटी मिलेगा, वन डिवाइड बाई वन टू इन्फिनिटी करोगे आपको जीरो टू वन मिलेगा,
एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट, वही सेम चीज अब यहाँ पे फॉलो होगी. अब ये माइनस इन्फिनिटी है, जीरो से माइनस वन है. राइट, ये जीरो से माइनस वन का आपको जब डिवाइड करोगे तो ये आपको माइनस वन टू इन्फिनिटी मिलेगा. राइट, बट माइनस में सेम, ये आपका माइनस वन टू माइनस इन्फिनिटी है तो ये आपका जीरो से माइनस वन मिलेगा. ये आपका ग्राफ समथिंग आएगा ऐसे. अगर मैं पूरा ग्राफ आपका यूनिफॉर्मली प्लॉट करूं, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, वन अपॉन टेन थीटा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? वापिस यहां से ऐसे, वापिस यहां से ऐसे. राइट, अभी ऐसा मत बोलना वापिस से, थोड़ा थोड़ा डीएनए जैसा लग रहा है. वेट, क्लियर होगा इसलिए मैं इसका ग्राफ अलग से भी प्लॉट कर रहा हूँ. बट पहले मैंने थोड़ा आपको टेन के टेन से थोड़ा समझाने की कोशिश की. राइट, टेन से वो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ऐसे कोई ग्राफ के लिए विवेक नहीं होती डेफिनेशन, ऑपोजिट ऑफ टेन ऐसा नहीं होता. मतलब आप जो बोल रहे हो वो सही है बट वर्ड्स गलत है. सी जीरो वहां पे रिफ्लेक्शन और ऐसे वर्ड्स आएंगे भाई. चलो, अब कॉट आपका कहाँ पे डिफाइन नहीं है? कॉट आपका के पाई पे डिफाइन नहीं है. राइट, सो जीरो पाई बाई टू, पाई थ्री पाई बाई टू, टू पाई. तो पाई पे वो डिफाइन नहीं है, टू पाई पे डिफाइन नहीं है. यहाँ पे आपका माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू पाई. इधर वो माइनस पाई पे आपका डिफाइन नहीं है, यहाँ माइनस टू पाई पे डिफाइन नहीं. चलो, जीरो से पाई में आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? जीरो से पाई में अभी आपने देखा कॉट का वो कैसा है, ऐसे है. राइट, कॉट पाई बाई टू आपका जीरो हो रहा है और यहाँ से वो ऐसे आ रहा है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट, अभी हमने टेन से देखा कि ये वैल्यू हमारी कैसे आ रही है. जीरो से वन की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी जा रही है और वन टू इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो टू वन आ रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज टेल मी यस, प्लीज टेल मी यस. इतना खींचा है बस, आप मुझे ये बता दो आपको पता चल रहा है कि नहीं. राइट, दिस इज द लास्ट ग्राफ एंड खत्म हो ही गया है. राइट, चलो अब पाई बाय पाई से थ्री पाई के बीच में सेम वैल्यू ऐसा ही मिलेगा. राइट, थ्री पाई बाई टू पे एग्जैक्टली वो आपका हो रहा है जीरो, थ्री पाई बाई टू पे हो रहा है जीरो. यहाँ आपका इनफाइनाइट से लेके जीरो आ रहा है और यहाँ जीरो से माइनस इनफाइनाइट जा रहा है. इन्फाइनाइट से जीरो आ रहा है और जीरो से माइनस इन्फाइनाइट जा रहा है, यहाँ पे वो जीरो हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ इन्फाइनाइट से जीरो रहा है, जीरो से माइनस इन्फाइनाइट आ रहा है. तो टेन का अगर आप कर्व देखोगे, टेन ऐसे जा रहा है, टेन ऑलवेज इंक्रीजिंग है बट कॉट ऑलवेज डिक्रीजिंग है. चेक, क्या कॉट ऑलवेज डिक्रीज हो रहा है? उसका ग्राफ ऑलवेज डाउनवर्ड जा रहा है. टेन का ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग है, कॉट ऑलवेज डिक्रीजिंग है. कॉट का आपका डोमेन हो जाएगा आर माइनस के पाई, K belongs to Z and range हो जाएगी R. बोलो आसान है? राइट, तो कॉट के लिए आप आपके नोटबुक में ये वाला ग्राफ मत प्लॉट करो, ये ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली ये वाला ही प्लॉट कर दो, कॉट थीटा वाला. ओके, ये टेन थीटा वाला ग्राफ है, ये आपको समझाने के लिए था. राइट, ये वाला आपको समझाने के लिए था कि किस तरीके से वो रेसिप्रोकल हो रहा है, टेन थीटा और यहाँ आपका है कॉट थीटा. tan थीटा और cot थीटा किस तरीके से रेसिप्रोकल हो रहे हैं वो मैंने इस ग्राफ में समझाया. ओके, चलो आप नोट डाउन कर दो क्विकली, मैं आपके अटेंडेंस दे लेता हूं.